Why? And his name is John C. Hello guys, what's up? कैसे हो आप सब? A very good morning. So अभी time हो रहा है. Good night, midnight, 2:15. Yes. It's early morning, bro. It's 2:15. See, guess what? हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश हरिद्वार with my old friends. Guess what? जो हम लोग पहले ही बता दिया. अरे ये नया चेहरा ये देख ये भी आ रहा है. ये देख लो. देखो हमारे पास भाई सिंगर भी है. ठंडी तो बहुत है यार. ठंडी मतलब अभी फिलहाल 15 डिग्री सेल्सियस है. हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है. दो लोगों का जो सामान था वो फैमिली मेंबर्स वापस लेके चले गए. तो हम उनको नए क्लोथ्स खरीदने पड़ेंगे. तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया. ट्रेन का वेट कर रहे हैं. ट्रेन आएगी, थोड़ा सोएंगे और हमें वो सुबह उतारेगी. साढ़े सात बजे हम लोग पहुंच जाएंगे हरिद्वार जंक्शन. अंकल देख लेना पोल खुल रहे. दूसरे बैठ लोगे ट्रेन आते नहीं देखा आपने लापरवाही का नतीजा. मैं आया इसके भरोसे. इसका बैग मुंबई चला गया. ये आया था अपने भरोसे. इसका बैग मुंबई चला गया. अब ये A few moments later. सुबह के बज रहा है 7:30. अभी हम लोग उतरे हैं. यहाँ पे ठंडी यार बहुत ज्यादा है. सब ठिठुर रहे हैं ठंडी के मारे. कैब वगैरह बुक करके जा रहे होटल होटल में. राज कैसा लग रहा है गाइस? इसको देखिए बेचारा नायलॉन. इसका तो बेचारे का हालत ऐसा हो गया है कि दो नायलॉन, एक नायलॉन टी शर्ट लाया है और एक नायलॉन जर्सी है. नायलॉन में क्या ही ठंडी लगता है. और ये बंदे का ऑफिस था तो हम लोग ने इसको जबरदस्ती बोला कि व्हाइट शर्ट. झूठ बोल रहा है. फाइनली होटल मिल गया ऋषिकेश में. ऐसी जगह पे है जहाँ पे त्रिवेणी घाट एंड गंगा आरती वगैरह सब एकदम नज़दीक में है. और जहाँ से रिवर राफ्टिंग वगैरह भी सब एकदम नज़दीक में है तो फिर हमको कहीं स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है. एंड आई विल ऑल्सो पुट द नेम ऑफ दिस होटल इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आप कभी आएंगे तो यहाँ से आप बुकिंग्स वगैरह करिए. And you will get this hotel at reasonable price and you can stay here as long as you want. मैं आपको अभी होटल का थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसा है होटल. होटल तो बहुत रीजनेबल प्राइस और बहुत अच्छा होटल है. ये देखिए तीन लोग तो कम्फर्टेबली सो सकते हैं इसमें. और ये है टेबल है. ये चार्जिंग पॉइंट. एसी भी है बट एसी की ज़रूरत नहीं है इस समय. दिसंबर का मंथ है ठंडी तो वैसे ही है ऑलरेडी यहाँ पे. और खो गया है वॉशरूम. ये भी सेम किंग साइज बेड है. इसमें भी बेसिकली लोग आराम से सो सकते हैं. मैं आपको ये होटल का व्यू दिखाता हूँ. पीछे रिवर है और वो पूरा बह रहा है. तो आप देख सकते हैं ट्रिप का बजट कैसे है. ब्रश कहीं पे छूट चुका है तो ब्रश लेने की हिम्मत नहीं है. लोग अपनी उंगली से गाइस आ गए रिवर राफ्टिंग के लिए. सब लाइफ जैकेट्स है. हेलमेट्स एंड सेफ्टी वहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं. आपकी मौत नहीं होगी. जय श्री राम. जय श्री राम. कैसा लग रहा है गाइस? फाइनली जाऊंगा. कैसा लग रहा है गाइस? सबके गाइस
रिवर राफ्टिंग 16 किलोमीटर का करने का है, लेकिन सबके होश उड़े हुए हैं, लेकिन दिखा कोई नहीं रहा। सो हम लोग जा रहे हैं झरने की तरफ, वही रिवर नदी की तरफ। ये देखो हमारा सिपाही तैनात है हथियार लेके। मुश्किल वक्त कमांडो सर। पैर टूटा है, इसको बोलते हैं जज्बा। और आज देख सकते हो आज हम किस मोड पे खड़े हैं। आज हम लेफ्ट वाला मोड और एक लेंगे तो हम नीचे पहुंच जाएंगे। बोले गंगा मैया की जय। हे फिर थोड़ा डर वर भूल जाओ अभी, ठीक है? सबको लगता है श्री राम। इस रैपिड का नाम है गोल्फ कोर्स। क्या नाम है? गोल्फ कोर्स। कमान मूव योर बॉडी हार्ड 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 एक साथ पूरा। पूरा पावर लगाओ दोनों तरफ से। कमान ज्यादा आगे भी नहीं कि वापस ना आ पाओ। अब मेरी तरफ तैरो 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 तैरो। वेरी गुड भैया, बड़ा मजा आ रहा है। तो गाइस मैगी एंजॉय करते हुए हम आशीष की फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं। कैसा ये बोल मैगी कैसा? मैगी यार भाई देखता मैगी जैसा लग रहा है। मैगी रात में हां मैगी लग रहा है। कैसा आयुष मैगी? कुछ स्पेशल नहीं है लेकिन लग रहा है वेजी नहीं है। बहुत बढ़िया मैगी है। ये रैपिड का नाम था बाय बाय। तो हाथ खड़े करो और बाय बाय करो। तो भाई सबको मजा आया गंगा मैया की शादी है। थैंक यू जय श्री राम। प्रकाश की जय।